आज मैं लेके आई हूँ लहसुन और सरसों वाली भिंडी की लाजवाब सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है और ये रोटी के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी भिंडी लिया हुआ है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया था। मैंने इसमें बीच में चीरा भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी कटोरी लहसुन और तोरी का पेस्ट लिया हुआ था। अब मैं उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं एक कढ़ाई में 1 कटोरी सरसों का तेल डालूंगी। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया हुआ है, आप चाहें तो कोई और भी तेल यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से तेल की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब मैं इसमें अपने भिंडी को डाल दूंगी और इसे सुनहरा होने तक इसमें भूनूंगी। भिंडी को हम लोग इसलिए पहले फ्राई करते हैं क्योंकि भिंडी में लड़लड़पन होता है, काफ़ी वो लड़लड़ होता है, मतलब चिपचिपा होता है। तो भिंडी को पहले ही भूनने से जो हमारा भिंडी का जो लड़लड़पन है, चिपचिपापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले भिंडी को अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक ये हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो हमारा भिंडी है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से भून जाए। तो अब ये देख सकते हैं हमारा भिंडी जो है हल्का सुनहरा हो चुका है, तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। अब मैं उसी तेल में 1 छोटा चम्मच मेथी डालूंगी। 4 हरी मिर्च को मैंने काट लिया था वो मैं डाल दूंगी और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी। ये देखिए हमारा मिर्च जो है वो हल्का सुनहरा हो चुका है। तो अब मैं इसमें अपने मसाला डाल दूंगी जो कि मैंने शुरू में ही बनाया हुआ था और मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसे तेल के साथ अपने मसाले को पका लूँगी। अब जो हमारा बचा हुआ मसाला था जो कि मेरी कटोरी में लगा हुआ था, तो उसमें मैं हल्का पानी डालकर बाकी मसाले भी इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून नहीं जाता और तेल ऊपर ऊपर नहीं आ जाता। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाता है तो ऊपर ऊपर तेल आ जाता है, ये आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो ऊपर ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मसाला है वो भून चुका है। अब मैं इसमें अपना भिंडी डाल दूंगी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ्राई किया हुआ था। भिंडी को डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। हमारे भिंडी और मसाले अच्छी तरह से आपस में मिल जाने चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और मैं इसे थोड़ा देर और पकाऊंगी, लगभग 2 मिनट। इसे चलाते नहीं तो हमारा जो मसाला है वो नीचे लग जाता है, तो इसे बराबर तरीके से चलाते रहें। अब मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगी। मैंने छोटी कटोरी से 2 कटोरी पानी लिया था। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें 2 टमाटर डालूंगी। मैंने टमाटर को गोल गोल काट लिया था अच्छी तरीके से धो के। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया हुआ है, तो इस तरीके से मैं टमाटर को ऊपर से रख दूंगी। अब हम इसे ढक के 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी, अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छी तरह से मसाले में मिल जाए।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से टमाटर को भी मिला लिया है। 2 मिनट के बाद हमारा टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं गैस को कर लूँगी ऑफ, इसे कर लूँगी सर्व। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग इसे ज़रूर बना कर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और रोटी के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।